हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ डॉक्टर मनीष जायसवाल एंड वेलकम टू दिस चैनल बॉर्न फॉर बायोलॉजी। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस रैपिड रिवीजन कोर्स टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट एड्रिनल ग्लैंड इन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। ये ग्लैंड हमारी बॉडी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या नाम है इसका? सुप्रारीनल ग्लैंड, मतलब रीनल माना किडनी, किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, इसीलिए इसका दूसरा नाम है सुप्रा रीनल ग्लैंड। ए पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ईच एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द एंटीरियर रीजन एंड सुपीरियर पोल ऑफ ईच किडनी। एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन ध्यान में रखो बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है? किडनी के एंटेरियर रीजन में और सुपीरियर पोल के ऊपर। सुपीरियर पोल ऐसे वर्ड आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है अपर रीजन मतलब सुपीरियर पोल। सो एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड एट द एंटेरियर साइड ऑफ ईच किडनी। दीज आर लोकेटेड एट द टॉप, दैट इज ऑन द सुपीरियर पोल ऑफ द किडनी। नाउ एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड, अब इसका नाम और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर से फंक्शंस आपको ध्यान में आएंगे। एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड और 3F ग्लैंड और 4S ग्लैंड। ये शॉर्ट में लिखा मैंने 3F 4S। 3F का नाम क्या है? फाइट, फाइटिंग, डिस्काउंट, डिस्काउंट, राइट। फ्लाइट, फ्लाइट मतलब जंप, राइट। एंड फ्राइट मतलब घबरा जाना, डर जाना, स्ट्रेस। तो जब भी हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, फाइटिंग करना पड़ती है, इमरजेंसी होती है, जब जब हमारी बॉडी को अलग अलग इमरजेंसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, तब ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ग्लैंड से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, ये एड्रेनालिन और इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन और नॉन इपिनेफ्रिन। दीज हार्मोन्स आर कंसिडर्ड एज इमरजेंसी हार्मोन्स। तो स्ट्रेस के दौरान, फाइट और फ्लाइट के दौरान ये हार्मोन्स इसेंशियल होते हैं, इसीलिए ये ग्लैंड का दूसरा नाम है 3F ग्लैंड। बुक में आपको 2F दी है, फाइट एंड फ्लाइट। आपको पूछेंगे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा, तो ये एड्रेनालिन और इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन और नॉर इपिनेफ्रिन आर कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। इसके अलावा फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, ऐसे तीनों हम कंसीडर कर सकते हैं। देन दिस ग्लैंड इज कॉल्ड 4S ग्लैंड। व्हाई? बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज बाय कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म, साल्ट मेटाबॉलिज्म। इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग साल्ट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स एंड सेक्स कंट्रोल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 4S ग्लैंड, राइट। एड्रिनल ग्लैंड के दो मेन पार्ट होते हैं। लुक एट दिस डायग्राम। एड्रिनल ग्लैंड इज मेनली फॉर्म बाय टू पार्ट्स। ये पूरा आउटर कनेक्टिव टिश्यू है एड्रिनल ग्लैंड का, एंड दिस इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड द इनर डीप रीजन इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला। सो एड्रिनल ग्लैंड इज मेनली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स, आउटर रीजन ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स। तुरंत इसका एक्सप्लेनेशन मैं बोलता हूँ, एनसीईआरटी में बहुत उल्टा पुल्टा कर देते हैं, पहले हार्मोन डिसऑर्डर्स, फिर हार्मोन, फिर ग्लैंड, फिर स्ट्रक्चर, कैसे भी देते हैं। मैं सिस्टमेटिकली आपको वन बाय वन पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एड्रिनल ग्लैंड के आउटर बॉर्डर माना एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन लेयर ध्यान में रखो बच्चों। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इन थ्री लेयर्स। आउटर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा। ये एनसीईआरटी में दिया है, ये नेम्स आपको लर्न करना पड़ेगा।
आउटर बॉर्डर इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल लेयर इज कॉल्ड जोना फैसिकुलाटा एंड इनर लेयर इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस। ये तीनों लेयर में से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। कॉर्टिकॉइड्स, ऑल दीज हार्मोन्स सिक्रीटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स आर कंबाइनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स में तीन टाइप आपको ध्यान में रखना है बच्चों, एनसीईआरटी में ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, अलग अलग सेंटेंस दिए है। तीन अलग अलग कॉर्टिकॉइड्स कौन से हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एक हार्मोन, एक एग्जांपल है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन इज द एग्जांपल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेन इज द एग्जांपल ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो ऐसे तीन कॉर्टिकॉइड्स ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। हर एक कॉर्टिकॉइड का अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। कॉर्टिसोल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? इट इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइक कॉर्टिसोल इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का सेलुलर एब्जॉर्प्शन कम कर देता है यह हार्मोन, राइट? इट ऑल्सो लाइपोलाइसिस और प्रोटीओलाइसिस, मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करता है कौन? कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बाय सप्रेसिंग आवर इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ोगे। हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा सा सप्रेस करना और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में उसका इन्फेक्शन स्प्रेड ना होने देना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बाय सप्रेसिंग आवर इम्यून सिस्टम। इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू स्टिमुलेट, बोन को स्टिमुलेट करता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBCs। हमने और एक ग्लैंड में पढ़ा है थायरोक्सिन। T3 T4 हॉर्मोन्स का भी ये फंक्शन है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ RBCs। यहाँ पे भी दिस हार्मोन कॉर्टिसोल ऑल्सो स्टिमुलेट द बोन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBCs। कॉर्टिसोल ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कार्डियोवेस्कुलर फंक्शंस एंड किडनी फंक्शंस। किडनी के फंक्शन रेगुलेट करना और हार्ट के फंक्शंस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये भी इसका मेन फंक्शन है। दूसरा ये हार्मोन है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन साल्ट मेटाबॉलिज्म, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्लियर? सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली अल्डोस्टेरॉन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड साल्ट बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। देन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो मेंटेन बाय अल्डोस्टेरॉन। ये जो हार्मोन पढ़ा है हमने अल्डोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू स्टिमुलेट द किडनीज, DCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करता है टू रीअब्सॉर्ब मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन्स एंड इलिमिनेशन एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन्स एंड फॉस्फेट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अल्डोस्टेरॉन। और तीसरा हार्मोन है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली एंड्रोजेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टियल एज में, एडोलेसेंट एज के बाद का जो प्यूबर्टियल एज होता है, प्यूबर्टियल एज में मेल फीमेल के SSC सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स का सेपरेशन होता है।
मेल और फीमेल की बॉडी में अलग अलग चेंजेस अपीयर होते हैं, वो चेंजेस ब्रिंग करने के लिए ये एंड्रोजन प्ले रोल प्ले करता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, and thus it plays an important role in all these activities. So this is about adrenal cortex. Now adrenal medulla, the inner deep region of the adrenal gland is called adrenal medulla. Adrenal medulla secrete the hormone adrenaline or epinephrine, noradrenaline or norepinephrine. ye charo hormone ka function hai emergency. These hormones are secreted during stress, emergency, fight, flight. That's why these hormones are also called emergency hormones. अब इसका particular character ध्यान में रखो बच्चों. Emergency hormone मतलब क्या? These hormones plays an important role in pupillary dilation, pupil dilate हो जाना, pyloerection, ऐसे body के ऊपर पूरे शहरे आ जाना, ऐसे hair पूरे cilia या hair erect हो जाना. Erection of this hair on the body is known as pyloerection. Pupillary dilation, pyloerection, sweating and alertness. These are created because of these hormones adrenaline or epinephrine, noradrenaline or norepinephrine. अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ऑल दिस हॉर्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड आर कैटेकोलामाइंस. दीज हॉर्मोन्स आर द टाइप ऑफ कैटेकोलामाइंस. दीज हॉर्मोन्स ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये अलर्टनेस, ये सबको इंक्रीज करना ये हॉर्मोन्स का फंक्शन है. दैट्स वाई दीज हॉर्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हॉर्मोन्स. ऑल दीज हॉर्मोन्स आर कैटेकोलामाइंस. अब लास्ट दो पॉइंट, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ये हॉर्मोन के अगर डिसऑर्डर हो जाती है, हाइपो हाइपर सिक्रीशन, हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन. सो हाइपो सिक्रीशन मतलब कम हो जाना. हाइपो सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स from adrenal glands results in the disorder known as Addison's disease, and hypersecretion of these corticoids results in Cushing syndrome or Cushing disease. Addison's disease and Cushing disease, ये दो disorders होते हैं adrenal gland के disorders से. इसके details की हमको ज़रूरत नहीं है. Clear? So this is everything about adrenal gland. ये जो हार्मोन पढ़ा है हमने aldosterone. Aldosterone plays an important role to stimulate the kidneys, DCT and collecting tubule. Collecting tubule को stimulate करता है to reabsorb more and more amount of sodium and water. Reabsorption of water and sodium ions and elimination, excretion of potassium ions and phosphate is also an important function of aldosterone.